हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और मुझे जल्दी जल्दी बताइए आपके यहाँ का वेदर कैसा है, क्योंकि हमारे यहाँ का वेदर बहुत ख़राब है। अभी भी ज़बरदस्त हवाएं चलती हैं और भी बारिश होने लगी है। यूँ तो इधर मानसून इतनी जल्दी नहीं आता, मैं सोच रही हूँ ये शायद प्री मानसून है या शायद स्टिल साइक्लोन का असर है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन कुछ दिनों से मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है, इतनी ज़्यादा हवा चलती है कि मैं बाहर कपड़े भी नहीं सुखा पाती हूँ। और बच्चों का स्कूल खुल गया है तो उनको स्कूल भेजने का एक अलग टेंशन हो जाता है ऐसे खराब वेदर में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा एक रैंडम इवनिंग टू नाइट रूटीन। और अभी जैसा मैंने बताया, सानवी खुशी का स्कूल खुल गया है तो वापस वही लाइफ शुरू हो गई है, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सी जिंदगी वाली, घड़ी को देख देख कर काम करना। मतलब कि जब जब तक उन लोगों के वेकेशन थे तब तक मैं थोड़ा सा अपने मन के हिसाब से काम कर लेती थी, लेकिन अभी तो मुझे सिर्फ शर्मा जी नहीं, सानवी खुशी के टाइम को भी ध्यान में रख के चीज़ें ऑर्गेनाइज और स्केड्यूल करनी पड़ती हैं। तो जितने दिन वेकेशन था उतने दिन वो भी लोग थोड़ा ज़्यादा आराम करते थे, खेलते थे, तो अभी तो उतना नहीं होता है। अभी वापस फिर से होमवर्क वगैरह करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यू नो डे हो जाएगा, ये एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यूजुअली शाम की जब तैयारी वगैरह करती हूँ, ऐसी चीज़ें जैसे पालक धनिया मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ, तो ऐसी चीज़ें जब मैं साफ़ वाफ करती हूँ तो मैं ज़्यादातर बच्चों के पास ही बैठती हूँ, सो दैट उन्हें पढ़ाई करने में कुछ भी मेरा हेल्प चाहिए तो मैं उन्हें हेल्प दे सकूँ और साइड बाई साइड मेरा भी काम हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं सानवी खुशी को कभी भी नैरेट नहीं करती हूँ, एज इन वो मुझे क्वेश्चन बता दें और उसका आंसर मैं उन्हें सोच के बता दूं और वो लिख दें, ऐसा नहीं होता है। वो अपना होमवर्क खुद ही करते हैं, लेकिन वो मुझसे पूछते ज़रूर हैं कि मामा क्या ये प्रोसीजर ठीक है, क्या ये आंसर करेक्ट है, तो वहाँ मैं उन्हें गाइड करती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि ये आंसर ठीक नहीं है देन आई एक्सप्लेन देम द प्रोसीजर। लेकिन बच्चा जो सीख कर आया है स्कूल से उसे उसी तरह काम करने दीजिए। आप जैसे समझाएंगे और स्कूल में जैसे टीचर ने समझाया है ये दोनों चीज़ें फ़र्क हो सकती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे लोग जो स्कूल में सीख कर आए हैं उस तरह से उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वो अपना होमवर्क करें। लेकिन वो लोग जो कुछ भी काम कर रहे हैं उस पर आप नज़र ज़रूर रखिए जिससे कि वो कोई गलती ना कर दें। बच्चों मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि जल्दी से बच्चों का होमवर्क हो जाए इसके लिए वो फटाफट आंसर बताने लगते हैं और बच्चे लोग जो है आंसर्स कॉपी कर लेते हैं उनकी नोटबुक्स में। इनफैक्ट बहुत सारे पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन क्लासेस भेजते हैं और इतने छोटे बच्चे ट्यूशन में क्या पढ़ेंगे। तो ट्यूशन में भी बेसिकली यही होता है कि उनका होमवर्क करवा दिया जाता है, होमवर्क करवा दिया जाता है, एज इन जितने क्वेश्चंस दिए उनके आंसर उन्हें बता दिए जाते हैं और बच्चे वो कॉपी कर लेते हैं। तो होमवर्क तो पूरा हो जाता है, नेक्स्ट डे टीचर भी खुश हो जाते हैं, लेकिन इसमें बच्चे का ग्रोथ कहाँ हुआ? वो ये चीज़ें लर्न नहीं करेंगे और फिर जब उनका टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, तब उन्हें एकदम से प्रेशर आ जाएगा हर चीज़ को समझने का। इसलिए बेहतर है कि रोज़ की रोज़ जो काम उनके स्कूल में होता है, जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, उन्हें वो खुद से करने दें। एंड ऑब्वियसली कहीं कोई गलती होगी, वो अटकेंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा, तो आप हैं ही हेल्प के लिए।
हेवन के न्यू लिपस्टिक्स, एक्चुअली 6 कलर्स लॉन्च हुए थे और 3 शेड मुझे भेजे गए हैं। ये मुझे पर्पल की तरफ से मेरे पीआर पैकेज में भेजे गए हैं। इसका मतलब है कि मैंने इन्हें खरीदा नहीं है, ना मैंने इनके लिए एक भी पैसा पे किया और ना ही इसके लिए मुझे कुछ भी पैसे मिले हैं। इट्स जस्ट दैट कि उनके जो भी न्यू लॉन्चेस होते हैं उसके बारे में दे वॉन्ट कि जो पब्लिक है, जो कस्टमर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता चले। इट्स जस्ट इसी के लिए वो लोग जो यूट्यूबर्स हैं उन लोगों को फ्री सैंपल्स भेजते हैं। तो ब्लू हेवन के ये न्यू लॉन्चेस हैं, 6 शेड लॉन्च हुए थे और मेरे पास 3 हैं। और ये है नॉन ट्रांसफर लिप कलर और 8 आर वेयर है, नॉन ट्रांसफरेबल है ये। और ब्लू हेवन जो ब्रांड है उसके बारे में तो सभी जानते हैं, काफ़ी पुराना और जाना माना सा ब्रांड है ये, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में है। जैसे कि पर्पल पे मिलने वाले जो उनके और दूसरे कॉमन लिपस्टिक्स हैं लाइक SQ, NYB और आपका जो पर्पल के अपना जो ब्रांड है पर्पल, वो सब आराम से 400+ 500+ है, लेकिन ये है 205 रुपीज का। लेकिन पर्पल के ऊपर डिस्काउंट चलते ही रहते हैं तो ये इससे भी सस्ता होगा। तो मुझे भेजे गए हैं 3 शेड्स और शेड्स मैं आपको दिखा देती हूँ कौन से हैं ये। तो ये है शेड नंबर 5, 4 एंड 2। तो 2, 4 एंड 5 आर द शेड्स। मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि हाउ डू द लुक। ऐसा लगता है कि ये लिपस्टिक है पर ये लिपस्टिक नहीं है, दिस इज लिक्विड लिपस्टिक, ऐसा स्टिक नहीं है ये। और ये काफी ब्राइट ऑरेंज है, ये है नंबर 4, और ये है नंबर 5। ये देखिए, ये है नंबर 4, ये है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज चेकआउट कीजिएगा। तो बस अभी मैं करने लगी हूँ डिनर की तैयारी और मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल सी आलू पालक की सब्जी। तो इसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसको थोड़ा सा स्मोक किया है और इसके बाद कच्चे आलू को ही थोड़ा छोटा भी नहीं है एक्चुअली, मीडियम साइज़ में काट लिया है और इसे मैं थोड़ा सा अभी भूनूंगी। मुझे इसको इतना भूनना है कि इसको एक अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए और ये थोड़ा हाफ वे डन हो जाए। और मुझे पता नहीं आप सुन पा रहे हैं कि नहीं, पर जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीछे से इतनी तेज़ हवा की आवाज़ आ रही है, घूँ 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 ऐसी आवाज़ आती है। बहुत ज़्यादा विंडी है यहाँ पे दीज डेज। बहरहाल मैंने आलू में डाला है थोड़ा सा नमक जिससे वो जल्दी से गल जाएंगे और इसे बस मैं रोस्ट होने के लिए रख दूंगी थोड़ी देर, और तब तक मैं दूसरी सब्जी की तैयारी करूंगी। तो मैंने मेरा मैनुअल चॉपर में ले लिया है 2 प्याज और इसको मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो प्योर ही बना सकते हो, लेकिन इस तरह जो थोड़ी सी क्रश्ड प्याज होती है ना, ये भी क्लोज टू प्योर ही है, काफ़ी फाइन चॉप हो जाता है, ये अच्छा रहता है। और चटनी जार में मैंने ले लिया है थोड़ा सा लहसुन, एक्चुअली मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे मटर मशरूम की, बहुत ही यमी सब्ज़ी होती है। तो मैंने जार में डाला है थोड़ा लहसुन, थोड़ा अदरक और ये 3 थोड़े मीडियम साइज़ के टमाटर, और इनको मैं एक अच्छा सा प्योरी बना लूँगी। और जो मशरूम्स होते हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं, वंस इन अ वाइल हमें ज़रूर खाना चाहिए। और मेरे घर में पिज़्ज़ा में जैसे टॉपिंग वगैरह डालते हैं ना, उस तरह मशरूम नहीं पसंद किए जाते, पर ये जो ग्रेवी मैं बनाती हूँ, ग्रेवी वाली सब्ज़ी, ये बहुत पसंद आती है सबको। तो इधर प्याज तैयार हो गए हैं और टमाटर भी तैयार हो गए हैं, कुकिंग शुरू करूँगी। और ये सब्ज़ी मैंने कढ़ाई में भी बनाया है, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुकर में एक तो जल्दी से बन जाती है, दूसरा इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो मैंने कुकिंग ऑयल में डाला है प्याज और वो भुनेगा अभी, और प्याज को थोड़ा वक्त लगता है। इधर देखिए जो आलू हैं वो काफ़ी लाल हो चुके हैं, तो इसमें मैं डालूँगी चॉप्ड ग्रीन अनियंस और इसमें दीज आर ग्रीन चिलीज़। तो काफ़ी सारे से ग्रीन चिलीज़ मैंने ले लिए हैं क्योंकि मैं इसमें लाल मिर्ची नहीं डालूंगी, थोड़ा सा हींग डाला है, इन दोनों को मैं थोड़ा भूनूंगी
और ये देखिए हाफ वे से ज़्यादा हो चुके हैं आलू, तो बस इस स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पे पालक। तो ये पालक मैंने साफ़ करके चॉपर में जो है चॉप कर लिया था, एज ए मेरे फूड प्रोसेसर में इसे चॉप कर लिया था। एक मिनट में हो जाता है। ये थोड़े थोड़े से जो पालक होते हैं वो यहाँ वहाँ चिपक जाते हैं पानी की वजह से, जो साइड्स होती हैं ना फूड प्रोसेसर की, वहाँ चिपक जाते हैं, इसलिए कटते नहीं, इसलिए मैंने इसको अभी मैन्युअली काट दिया है। और ये सब्ज़ी 5-7 मिनट में बन जाती है। आप उबले हुए आलू लेंगे तो और भी जल्दी बन जाएगी और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो मसाले में मैंने सिर्फ धनिया का पाउडर और हल्दी डाली है, क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्च डाल चुकी हूँ इसलिए मैं लाल मिर्च नहीं डालूँगी। बहुत सिंपल, बहुत क्विक और बहुत टेस्टी सी ये सब्ज़ी होती है और काफ़ी हेल्दी तो होती ही है। पालक ज़रूर खाना चाहिए और आपको सरप्राइजिंग लगेगा लेकिन सानवी खुशी को बहुत पसंद आता है पालक और इस तरह की सब्ज़ी भी, पालक पनीर भी। दे जस्ट लव पालक, पालक वाला दाल भी बड़े चाव से खा लेते हैं वो लोग। तो यहाँ पे कुकर में जो मैंने प्याज डाला था वो लाल हो गया है और इसके बाद मैं टमाटो प्योरी जो मैंने बनाया था वो ऐड करूँगी। और इस टमाटर की प्योरी में अदरक है, लहसुन है, इसलिए मुझे इसे अच्छे से भूनना होगा वरना एक कच्चा सा फ्लेवर रह जाएगा ग्रेवी में अदरक और लहसुन का। ये देखिए अच्छे से ये भून गया है, ऑयल रिलीज़ हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर सूखे मसाले ऐड कर दूँगी, वही रेगुलर मसाले, हल्दी मिर्ची और धनिया का पाउडर, और एक इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दूंगी। अच्छे से मैं इसे भून लूंगी जिससे जो मसाले हैं उनका कच्चापन भी दूर हो जाए। लेकिन ये मसाला काफ़ी ड्राई हो गया है। और इधर देखिए जो मेरी आलू पालक की सब्ज़ी है ये बिल्कुल तैयार है, इतनी ही ड्राई हम लोग इसे खाते हैं। और आलू पालक के कई वेरिएशन हैं, उनमें से एक ये है, बाकी मैं आपको आगे शो करती रहूँगी। और ये बहुत टेस्टी होता है, आप बना के रख सकते हो, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो। मतलब मेरे बच्चे खा लेते हैं, मैं तो उन्हें टिफ़िन में दे देती हूँ। तो इधर देखिए ये मसाला थोड़ा ड्राई हो गया है, तो इसे मैं पानी डालकर थोड़ा सा अभी भूनूंगी, क्योंकि मुझे इतना सूखा मसाला नहीं चाहिए, एक लटपटा सा भुना मसाला जैसा मुझे इसका कंसिस्टेंसी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसे थोड़ी देर तक भूनूंगी, एक अच्छा भुना मसाला जैसा तैयार हो जाए तब तक। और आप देखिए इसमें से अब तेल ऊज़ आउट होने लगा है, बस ऐसा ही मुझे चाहिए था। तो ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे हरे मटर, ये फ्रोज़न है, और साथ ही साथ मशरूम्स। मशरूम को मैंने साफ़ करके काट लिया है, हम लोग बहुत बड़े मशरूम चंक्स नहीं खाते हैं तो मैंने थोड़े छोटे ही काटे हैं। आपको जैसे पसंद हो स्लाइसेस या मोटे चंक्स आप उस तरह काट सकते हो। और एक बात यहाँ पर ये कि जो मशरूम होते हैं, एक तो वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, दूसरा उनमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो आप बहुत ध्यान से उसे यहाँ पे कुक कीजिएगा। हम लोग थोड़ा ग्रेवी वाला खाते हैं इसलिए मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है और इसमें इसे 2 सीटी लगाऊंगी मेरे कुकर के अकॉर्डिंग। 2 सीटी लगाने पर ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाला है, बिल्कुल चुटकी भर चीनी डाली है और थोड़ा सा गर्म मसाला। चीनी ना ऐसी सब्जियों में जिसमें बहुत टमाटर जाता है और तरह तरह के मसाले जाते हैं उसमें ज़रूर डाला कीजिए, वो जो फ्लेवर्स हैं सारी चीज़ों के उसको बैलेंस करने में हेल्प करती है। तो यहाँ ये तैयार हो गया, बस मैं इसे 2 सीटी देने वाली हूँ। आप चाहें तो 1 सीटी लगा सकते हो, उतने में भी मशरूम तो पक ही जाता है। और यहाँ देखिए मैंने जो कुकर का प्रेशर है उसे ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने दिया था। और जैसा मैंने आपको बताया हम लोग थोड़ी ग्रेवी वाली खाते हैं, आप चाहें तो सूखा इसको बना सकते हो, पानी नहीं डालिएगा। और हैंडफुल चॉप्ड धनिया से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। और ये एक बहुत ही टेस्टी सी, हेल्दी सी और क्विक सी सब्ज़ी है, आप ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छी लगेगी। और चाहे तो खाने के वक्त इसमें ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हो, और भी यम्मी लगता है। तो मेरी पालक आलू की सब्ज़ी और मटर मशरूम की सब्ज़ी दोनों हो गए हैं तैयार। तो अभी बस बनाने लगी हूँ मैं यहाँ पे चपाती फटाफट से। Thank you.
तो साल में खुशी का, क्योंकि स्कूल शुरू हो गया है तो मुझे अभी उनके सोने और जागने के टाइम का हिसाब रखना पड़ता है, इसलिए मैं इनको फटाफट से खाना दे दूंगी, ये लोग खा के फिर सोने चले जाएंगे अपना थोड़ा बहुत होमवर्क वगैरह जो भी बाकी है उसको कंप्लीट करने के बाद। पर मैं खाना खाऊंगी शर्मा जी के साथ, और पता नहीं क्यों अराउंड 8 o'clock 9 o'clock मुझे इतनी नींद लगती है यार, इतनी तेज़ नींद लगती है, तो मेरा बस की नहीं रहता है कि मैं बाकी काम करूं या शर्मा जी का वेट कर पाऊं। तो इसलिए मैं अभी यहाँ ले रही हूँ ग्रीन टी, थोड़ा सा बच्चों को भी कंपनी हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा सा अवेकनिंग हो जाएगा। वैसे भी ग्रीन टी हेल्थ के लिए भी अच्छी है, आपको दिन में 2 green tea तो पीना ही चाहिए इफ़ यू आर वॉचिंग योर वेट। और आप देख सकते हैं बच्चों को मटर मशरूम तो खैर सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो पालक भी चाव से खा रहे हैं। ये पालक की सब्ज़ी बहुत इजी है बनाने के लिए और उतनी ही टेस्टी है खाने के लिए भी, आप ट्राई कर सकते हो। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और ये रेसिपीज़ पसंद आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे एक लाइक दे सकते हो, अगर ये रेसिपीज़ पसंद आए हैं तो आप इन्हें एक ट्राई दे सकते हो, शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट बॉक्स में आपकी राय मुझसे साझा कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलें नोटिफिकेशंस के लिए। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।